Hello everyone, so I am here Sangeeta Adhikari going to talk to you about our school and regarding the HS first year admissions. So first of all, my heartiest congratulations to all the class 10 past and appear students. So many congratulations to you. So first of all, our school name is Gurukul Group of Educational Wing. It is situated at Nohali, Mongoldoi in Dorong district. It has a separate campus for junior college, and the junior college is affiliated to Assam Higher Secondary and the affiliation code is 061646. So as you all know, the class 10 results for state board have been out. So our admissions for HS first year are also going on for science stream. So here are some facilities which we are going to provide from our school to the students. So the first is student who secured 94% and above in class 10 SEBA will get free education. Number 2, student who secured 85% and above will get concession as per interview record. So yani ki student jinko 94% ya usse upar percentage mila hai class 10 SEBA mein, उन्हें हम लोग फ्री एजुकेशन देंगे. एंड सेकेंड इज स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 85% एंड अबव, उन्हें हम लोग कंसेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू. नेक्स्ट नंबर 3 इज फाइनेंशियली पोअर स्टूडेंट विल गेट सपोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट. सो दीज आर सम फैसिलिटीज फॉर द स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट इज आवर फैसिलिटीज इनसाइड द स्कूल कैंपस. सो हमारे स्कूल में अपग्रेडेड लेबोरेटरी है फॉर फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. Next is we have highly experienced faculty members. Number 3 is we are having coaching classes which for JE mains and NEET, that is means for engineering and medical, we are having coaching classes also. Number 3 is online classes during lockdown. तो आप लोग को मालूम है lockdown period चल रहा है, school closed है, तो हम लोग online classes भी दे रहे हैं. तो नेक्स्ट इज आइसोलेटेड नॉइस फ्री कैंपस. सो हमारा जो कैंपस है वो एकदम नॉइस फ्री एरिया में है, जहाँ पे आप लोग साइलेंटली पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा हम लोग का कैंपस है. इट इज़ ये हाईवे से थोड़ा दूर है, तो जिसके वजह से पूरा यहाँ पे शांति है. नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड गाइडेंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग को मालूम है क्लास 10 तक क्या होता है, क्लास 10 तक का जो पढ़ाई है वो एकदम कांस्टेंट है, और बच्चे लोग क्लास 10 तक बहुत अच्छा मार्क्स लेके पास कर जाते हैं. उसके बाद 11 में आने के बाद तुरंत क्या होता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट का प्रेशर आ जाता है, सब्जेक्ट्स वास्ट हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से उसको कंसिस्टेंटली प्लानिंग करके पढ़ना है, मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होके कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होके किस तरह से पढ़ाई करना है, उसके लिए हम लोग मोटिवेशन एंड गाइडेंस प्रॉपरली बच्चे लोग को देते हैं, ताकि वो लोग फ्रस्ट्रेशन में ना जाए, ताकि वो लोग अपना पढ़ाई को बर्डन ना समझे और पढ़ाई समझ के पढ़े. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो नेक्स्ट इज क्लास टेस्ट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ एवरी यूनिट. सो हम लोग क्लास टेस्ट भी लेते हैं बच्चे लोग का प्रॉपर इवेल्युएशन के लिए, कि बच्चे ने कितना सीखा. एंड नेक्स्ट सैम्पल एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाता है, बिकॉज क्लास 12 के बाद हम लोग को एंट्रेंस देना है. एंड एंट्रेंस में मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो क्लास 11 से ही आता है, तो 11 में जो कॉन्सेप्ट है, 11 का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कराते हैं और क्लास टेस्ट लेके हम लोग इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि बच्चे का कहाँ लैकिंग है. सो नेक्स्ट इज हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. सो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है हमारा फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल. So next is, these are some our facilities in school. Next is our achievements. So हम लोग का school 2017 में established हुआ था, तो अभी तक एक 2019 में first batch pass out हो चुका है, and second batch 2020 में इस बार pass out होगा, but result is awaited. So 2019 में हम लोग का appeared student था 20. So 20 students में से 20 all are passed. एंड यानी कि 100% हम लोग का फुल पास परसेंटेज है. एंड डिस्टिंक्शन वन स्टूडेंट
and star mark got six students got star mark, and 6 students got first division and 7 students got second division. So in entrance exam 2019, Nabam Nathum qualified NE2, CEE, JE Mains and JE Advanced. He qualified all these 3 examinations, and these examinations, you know that these are very very tough examination, and this is evaluated in all India basis. So he qualified all the 4 examinations. And next is Jagriti Bora, who qualified JE Mains. Next in year 2020, so final result all you know that is awaited. And the next is entrance examination, which was held in January 2020, that is JE Mains. आप लोगों को मालूम है दो JE Mains होता है, एक जनवरी में और एक अप्रैल में. या अभी ये जो जनवरी में हुआ था इसमें 17 स्टूडेंट ने अपियर किया था, और उसमें से 9 स्टूडेंट्स गॉट क्वालिफाइंग परसेंटाइल. तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा, यानी क्वालिफाइंग परसेंटाइल उनको मिला है, तो उनको भी कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. बिकॉज अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो ये उन लोग का कुछ अचीवमेंट्स हम लोग का स्कूल का था. नेक्स्ट इज़ आवर फैकल्टीज. सो आवर फैकल्टीज, इन आवर फैकल्टीज द फर्स्ट वन द दुर्लभ सरकार, ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल विंग. वो फाउंडर और डायरेक्टर है. ही इज़ बीटेक फ्रॉम NIT पटना एंड MTech फ्रॉम NERIST. सो वो स्कूल का फाउंडर एंड डायरेक्टर है, और वो सब्जेक्ट्स मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री ये लीड करेंगे वो, और मैक्सिमम पार्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का वही लीड कर रहे हैं. ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 15 ईयर्स. वो जब बीटेक फर्स्ट ईयर से वो पढ़ा रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. और साथ ही साथ जो बच्चे का हैबिट है, जो क्लास 10 के बाद जो बच्चे का हैबिट बिहेवियर, हम लोग सब चीज़ों में काम कर रहे हैं. क्योंकि मेनली एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए या पढ़ाई को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ऑल ओवर डेवलपमेंट जरूरी है. तो हम लोग सब देख के जा रहे हैं. तो उनका 15 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट इज संगीता अधिकारी. माई सेल्फ, आई एम MSc फ्रॉम तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड BEd फ्रॉम RI भुवनेश्वर. मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स. नेक्स्ट इज आशीष कुमार, ही इज़ ऑल्सो MSc मैथमेटिक्स. नेक्स्ट इज चंद्रकमल सेकिया, ही इज़ BTech फ्रॉम NIT सिलचर. एंड फिजिक्स है उनका सब्जेक्ट, वो कुछ पार्ट फिजिक्स कर लेंगे. नेक्स्ट इज कोयल भट्टाचार्य मैडम, MSc MPhil फ्रॉम बुर्दवान यूनिवर्सिटी, एंड हर सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी. नेक्स्ट इज फराना हुसैन सुल्ताना, एंड शी इज़ MA फ्रॉम SLO शिलोंग एंड BEd, एंड हर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. सो दीज आर आवर फैकल्टी मेम्बर्स. तो हम लोग का एक टीम है. हम लोग किस तरह से इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग पहले प्रॉब्लम को फाइंड करके देन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को सही पाथ में लेके जाने के लिए. नॉट ओनली इन एजुकेशन फील्ड बट ऑल्सो ऑल ओवर डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इन दिस टाइम. बिकॉज अभी जो बच्चे का चेंज, बच्चे का जो अभी बिहेवियर होगा, दैट विल बी स्टैटिक, दैट विल बी कॉन्स्टेंट ऑल ओवर हर और हिज लाइफ. तो लाइफ लॉन्ग के लिए ये जो टाइम है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है. तो इस टाइम में अगर अच्छा चीज़ अगर उन्होंने कैप्चर किया, दैट विल बी रिमेन इन साइड देम. ओके, सो हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है 8415075655. सो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा कम परसेंटेज भी आया है उनको भी, बिकॉज दिस इज क्लास 10, दैट इज़ द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन. तो वो क्वालिफाई, वो पास कर पाना तो बहुत बड़ा बात है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग.